हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 6। हम आ गए थे क्वेश्चन नंबर 6 पर। हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। क्या फाइंड आउट करना है? मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करना है दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय दिस। प्रॉफिट फंक्शन हमें ये गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो करते हैं इसको। प्रॉफिट फंक्शन क्या है? प्रॉफिट फंक्शन इज PX इक्वल्स टू 41 माइनस 24X 18X स्क्वायर। हमें क्या फाइंड आउट करना है? मैक्सिमम प्रॉफिट। टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस PX का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 41 का होगा 0 और माइनस 24x का होगा माइनस 24 और 18x स्क्वायर का हो जाएगा 36। 2 आ गया है, 18 इंटू 30 टू 36x। नाउ अब हमें इस पी डैश एक्स को क्या रखना है, 0। क्यों? क्योंकि फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज। तो करते हैं माइनस 24 माइनस 36x इक्वल्स टू 0। माइनस 36x इक्वल्स टू 24, तो x क्या मिला, 24 बाय 2/3, माइनस का 2/3। तो जो x है आपका वो क्या आया, माइनस 2/3। हमें इस पे क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम। पहले तो प्रॉफिट दिखाएंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट है, तो हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं। इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये 0 हो जाएगा, ये कितना आएगा, माइनस 36। कब? जब x हमने क्या रखा, माइनस 2/3। तो ये क्या मिला, नेगेटिव। नेगेटिव मिला तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, जो प्रॉफिट है वो क्या है, प्रॉफिट है वो क्या है, मैक्सिमम है। अब हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पी एक्स में एक्स को क्या रखेंगे, माइनस 2/3 रखते हैं। 41 माइनस 24 इंटू माइनस 2/3 माइनस 18 इंटू माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, और इसको सोल्व कर लेना और आंसर इसका कमेंट बॉक्स में लिखना कि कितना हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिला। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 7। वी हैव टू फाइंड बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू एट दिस, और हमें इंटरवल गिवन है 0 से 3। तो सबसे पहले आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आपको इंटरवल गिवन है, तो सबसे पहले आपको क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। क्रिटिकल वैल्यूज आएंगी और जो इनके एंड पॉइंट्स गिवन होंगे उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, और जो सबसे कम वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या है एफ एक्स, क्या है 3x4 माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं वन टाइम। मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना है तो पहले क्रिटिकल वैल्यू चाहिए। 4 3 12x³, 3 पावर आगे 8 3 24 और 1 पावर कम हो गई, 12 2 24x और ये 48। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है, इस एफ डैश एक्स को 0 पुट करना है। तो इधर से इसको 0 पुट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0। 12x³ माइनस 24x² प्लस 24x माइनस 48 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन लेते हैं, 12x, x² माइनस क्या रह गया, माइनस 2, x माइनस 2 क्योंकि स्क्वायर कॉमन लिया है हमने। इधर से क्या कॉमन आया हमारे पास, 24, तो x माइनस 2 रह गया इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आया, 12x² प्लस 24, एक पेयर ये बना और दूसरा फैक्टर हमारा ये बना, एक फैक्टर ये आया एक फैक्टर ये। इधर से क्या ले ले, 12 कॉमन, तो ये आपको मिलेगा x² प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एक बार फिर चेक करते हैं, 4 3 12x³ हो गया, पावर आ गए 8 3 24, 12 2 24 और 48। ठीक है, ये हमने डिफरेंशिएशन लिया था। अब क्या करते हैं, इसको 0 0 पुट करेंगे तो पहले यहाँ से 12 कॉमन लिया x² x माइनस 2 रह गया, 24 कॉमन लिया तो 24 x माइनस 2 रह गया, x माइनस 2 क्या किया हमने, कॉमन निकाले तो 12x² प्लस 24, यहाँ से 12 कॉमन लिया तो ये रह जाएगा। एक बार इसको 0 पुट करते हैं और एक बार 0, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तभी तो हमें 0 मिली। तो यहाँ x क्या है,
रियल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि इमेजिनरी वैल्यू वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे, इमेजिनरी वैल्यूज आएंगे आयोटा की फॉर्म में, बट हम रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ x की वैल्यू क्या हो गई, 2। तो क्रिटिकल वैल्यू आई वो क्या आई आपकी x इक्वल्स टू 2। बट अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू क्या आई है, x इक्वल्स टू 2। क्या ये इस इंटरवल में लाई कर रहा है, यस लाई कर रहा है, तो इसको इंक्लूड करेंगे। अगर लाई नहीं कर रहा, अगर ये लाई नहीं कर रहा तो इसको एक्सक्लूड कर देंगे, छोड़ देंगे। और हमें किस पर चेक करना है, एंड पॉइंट्स पर, किसके इंटरवल के, किसके इंटरवल के। एंड पॉइंट क्या है, 0, 3 और एक क्रिटिकल वैल्यू। तो इन सब पर हम चेक करते हैं फंक्शन की वैल्यू। एफ एक्स क्या है आपके पास, 3x^4 - 8x³ + 12x² - 48x + 25। तो सबसे पहले 0 रखेंगे तो आपको ये क्या मिलेगा, 25। फिर यहाँ 2 रखते हैं तो यहाँ 3 2³ + 8 2³³ + 2 12² - 48 × 2 + 25। फिर यहाँ क्या रखते हैं, 3 रखेंगे और देखते हैं 3 3³ - 8 3³ + 12³² - 48 × 3 + 25। इनको सोल्व करते हैं और देखते हैं इनका क्या आंसर है। इसका मिला -39 और इसका मिला 16, ठीक है। तो यहाँ मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, -39 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई हमारी, 25। तो 0 पे हमें मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू और हमें 2 पे मिलेगी मिनिमम वैल्यू, दैट इज -39। तो -39 क्या है, मिनिमम वैल्यू, क्या है, मिनिमम वैल्यू। और किस पर मिली थी, 2 पर। और जो 25 है वो क्या है आपकी, मैक्सिमम वैल्यू, क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 8, वी हैव गिवन एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल दिस डज द फंक्शन साइन 2x अटेन इट्स, हमें ये बताना है जो फंक्शन साइन 2x है इस इंटरवल पर ये कब मैक्सिमम अटेन करेगा। क्रिटिकल वैल्यूज निकालेंगे तो डेरिवेटिव लेंगे, साइन x का डेरिवेटिव होता है कोस x, ठीक है। अब 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस f डैश x को क्या पुट करेंगे, 0। तो यहाँ से 2 cos 2x क्या हो जाएगा, 0। तो क्या मिला, cos 2x equals to 0। cos 2x कब 0 होगा, जब हमारे पास ओड मल्टीपल होंगे, किसके, पाई बाय 2। पाई बाय 2 के ओड मल्टीपल क्या होंगे, जैसे पाई बाय 2 1 से किया, फिर ओड नंबर क्या आता है, 3 3 × π/2, फिर 5 5 × π/2, फिर 6π/2, 7π/2, 9π/2। बट हमें 0 से 2 पाई के बीच में लेना है। 0 से 2 पाई के बीच में हमारे पास जो आएगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, अभी चेक करते हैं हम। तो सबसे पहले 2x, हमारी वैल्यूज जो है वो क्या आएंगी, 2x इक्वल्स टू पाई बाय 2, 3π/2, 5π/2, 6 नहीं होगा क्योंकि ये ओड नहीं है, 7π/2, 9π/2 ऐसे मिलेंगे हमें। बट हमें क्या लेना है, x जो 0 से 2 पाई के बीच में, तो x की वैल्यू ये पाई बाय 4, 45 होता है, फिर इसका पाई बाय 3π/4, ये कितना हुआ, 135 हुआ। ये क्या आया, 5π/4, ये कितना मिलेगा, ये 225 मिलेगा, फिर 7π/4। बट ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये अगर मैं इस 2 को यहाँ शिफ्ट करूँगी तो ये 9π/4 हो जाएगा और ये 2 पाई से ज़्यादा हो जाएगा। बट हमारा इंटरवल क्या कहता है, 0 से 2 पाई के बीच में लेनी है, तो ये रिजेक्ट हो गया। तो हमारी क्रिटिकल वैल्यू ये आ चुकी है। तो हमें क्या चेक करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। किस किस पर फाइंड आउट करनी पड़ेगी, एट x इक्वल्स टू 0 पर, पाई बाय 4 पर, क्योंकि ये सभी इसके बीच में लाई कर रहे हैं, तो इनको लेंगे अब 3π/4 पर, 5π/4 पर, 7π/4 पर और 2π पर। सबसे लास्ट ये है, पहला ये है और ये इनके बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमें 1 2 3 4 5 6 पर चेक करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले एफ ऑफ 0 पर चेक करते हैं। यहाँ 0 रखोगे तो साइन 0 क्या होता है, 0। फिर एफ ऑफ क्या रखोगे, पाई बाय 4, तो यहाँ साइन 2 × x क्या है, पाई बाय 4 साइन 90 क्या होता है, 1, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है एफ ऑफ पाई बाय थ्री पाई बाय फोर, ठीक है यहाँ क्या आएगा साइन इंटू टू इंटू थ्री पाई बाय फोर, टू टू सा तो ये क्या आया साइन थ्री पाई बाय टू, इस पर वैल्यू क्या होती है हमारी माइनस वन, ठीक है एफ ऑफ नेक्स्ट क्या है फाइव पाई बाय फोर, ये क्या होगा साइन टू इंटू फाइव पाई बाय फोर, कट करते हैं टू टू सा फोर, तो देखिए ये कैसे सोल्व किया है इसको बता रही हूँ मैं, फाइव पाई बाय टू डिवाइड करेंगे तो क्या लिखोगे इसको साइन टू पाई प्लस में पाई बाय टू, कौन सा क्वाड्रेंट है फर्स्ट, चेंज नहीं होगा क्योंकि टू पाई है पाई का मल्टीपल, तो साइन पाई बाय टू, साइन पाई बाय टू क्या होता है वन, ठीक है ऐसे ही हम किसकी निकालेंगे सेवन पाई बाय फोर की, तो क्या आएगा पाई बाय फोर रखते हैं यहाँ साइन टू इंटू सेवन पाई बाय फोर, ये का टू थ्री सा हो गया तो क्या आएगा साइन सेवन पाई बाय थ्री, इसको कैसे लिखेंगे साइन क्या रखेंगे थ्री पाई प्लस पाई बाय ये है टू, ठीक है टू हो गया यहाँ टू मुझे टू टू सा फोर, तो ये क्या मिलेगा आपको माइनस वन, क्या मिलेगा माइनस वन, ना लास्ट में किसके लिए निकालनी है एफ ऑफ टू पाई, टू पाई रखते हैं यहाँ क्या होगा साइन टू इंटू टू पाई, पाई के मल्टीपल है और इसके क्या आती है वैल्यू ज़ीरो, ठीक है साइन पाई क्या होता है ज़ीरो, तो साइन फोर पाई भी क्या होगा ज़ीरो, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर एट्थ, ये हमने क्या निकाली वैल्यू निकाली फंक्शन की इन पॉइंट्स पर जो हमारे पॉइंट्स थे, बट हमें क्या बताना था मैक्सिमम, मैक्सिमम किस पर आ रहा है सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वन, वन किस पर आ रही है एक तो इस पर आ रही है और दूसरी हमारी इस पर, तो पाई बाय फोर और फाइव पाई बाय फोर क्या हो जाएंगे मैक्सिमम वैल्यू, क्या है वन इज क्या आ गई बेटा मैक्सिमम वैल्यू, किस किस पर आई एट एक्स इक्वल्स टू आई पाई बाय फोर और फाइव पाई बाय फोर, तो ये क्या है आपका आंसर वन जो है वो क्या हो गई मैक्सिमम वैल्यू हो गई एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाय फोर एंड फाइव पाई बाय फोर, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर एट। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ पर, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, और कौन से फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो सबसे पहले फंक्शन लेते हैं क्या है आपके पास साइन एक्स प्लस कोस एक्स, अब इसकी क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और एक इस पर निकालनी है ओन इंटरवल जीरो से टू पाई, ठीक है तो सबसे पहले क्रिटिकल वैल्यू चाहिए और एंड पॉइंट्स पर हम वैल्यू चेक कर लेंगे, एंड पॉइंट्स हैं हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो पुट करके, तो करते हैं एफ डैश एक्स साइन एक्स कोस एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है किस पर है ये जीरो से टू पाई, एक्स किस से बिलोंग कर रहा है जीरो से टू पाई, तो अब एफ डैश एक्स को क्या पुट करते हैं जीरो, तो क्या मिलेगा आपको कोस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो ये क्या मिलेगा कोस एक्स एज इट इज इक्वल्स टू साइन एक्स वहाँ शिफ्ट हो गया, तो क्या आया ये वहाँ शिफ्ट हो गया तो क्या बना साइन एक्स बाय कोस एक्स इक्वल्स टू वन, तो टेन एक्स इक्वल्स टू वन कब होता है एक्स टेन एक्स इक्वल्स टू वन इस इंटरवल में, एक तो होता है पाई बाय फोर पर और दूसरा क्या कब होता है फाइव पाई बाय फोर पर, तो ये आपकी क्रिटिकल वैल्यूज आ गई, लेकिन हमें किस किस फाइंड करनी है मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू किस किस पर करनी है पहले जीरो पर और ये दोनों इनसे बिलोंग कर रहे हैं फिर इन पर, फिर जो लास्ट वैल्यू है लास्ट कौन सी है टू पर, तो चेक करते हैं तो पहले रखेंगे एफ ऑफ जीरो, यहाँ रखते हैं साइन जीरो प्लस कोस जीरो, ये क्या होता है जीरो प्लस वन दैट इज वन, नेक्स्ट है एफ ऑफ क्या रखेंगे पाई बाय फोर, तो रखते हैं साइन पाई बाय फोर प्लस कोस पाई बाय फोर, साइन पाई बाय फोर क्या होता है ये होता है वन बाय रूट टू और कोस पाई बाय फोर भी क्या होता है वन बाय रूट टू दैट इज टू बाय रूट टू, कट करेंगे क्या मिलेगा रूट टू, थर्ड क्या है एफ ऑफ फाइव पाई बाय फोर, ठीक है तो रखते हैं साइन फाइव पाई बाय फोर प्लस कोस फाइव पाई बाय फोर, इसको लिखेंगे कैसे साइन पाई प्लस पाई बाय फोर, ये क्या होगा कोस पाई प्लस पाई बाय फोर, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं पाई पे चेंज नहीं होगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का साइन बट माइनस आएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में, ये भी कोस क्या आएगा नेगेटिव और थर्ड क्वाड्रेंट है, वैल्यू क्या होती है अभी भी हमने की थी वन बाय रूट टू माइनस है
वन बाय रूट टू, ऐड हो जाएगा माइनस टू बाय रूट टू, कैंसिल करेंगे तो माइनस रूट टू। अब किस पे चेक करनी है, एफ ऑफ टू पाई, टू पाई रखते हैं, यहाँ क्या मिलेगा साइन ऑफ टू पाई प्लस कोस ऑफ टू पाई, ठीक है, साइन ऑफ टू पाई एंड कोस ऑफ टू पाई, ये क्या मिलेगा हमें वन, क्या मिलेगा वन मिलेगा, क्योंकि साइन टू पाई जीरो होता है और ये क्या होता है वन, तो ये जीरो प्लस वन क्या मिल जाएगा वन। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिली, देखो ये टू, रूट टू मैक्सिमम वैल्यू है। जब एक्स हमारा क्या था, देखिए ध्यान से, जब एक्स आपका क्या था पाई बाय फोर था, देन मैक्सिमम वैल्यू कब क्या आई, मैक्सिमम वैल्यू वैल्यू इज क्या आई आपके पास, रूट टू, क्योंकि वन पॉइंट समथिंग होती है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर टेंथ पर। अब अवर क्वेश्चन नंबर टेंथ, वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, और कौन से इंटरवल पर निकालनी है हमें, क्लोज इंटरवल वन से थ्री पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम वही क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, एफ डैश एक्स फंक्शन ये नोट कर लिया है हमने इस इंटरवल पर, तो एफ डैश एक्स करेंगे थ्री पावर आगे थ्री टू सा सिक्स एक्स स्क्वेयर, ट्वेंटी फोर एक्स क्या बनेगा ट्वेंटी फोर इक्वल्स, अब क्या करेंगे ये आ चुका है क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए, एफ डैश एक्स को जीरो पुट करेंगे तो इधर से क्या आ जाएगा आपके पास सिक्स एक्स स्क्वेयर माइनस ट्वेंटी फोर इक्वल्स टू जीरो, तो सिक्स एक्स स्क्वेयर क्या हो गया फोर, तो एक्स स्क्वेयर क्या होगा ट्वेंटी फोर बाई सिक्स, फोर आ गया तो एक्स क्या मिलेगा प्लस माइनस टू, ठीक है। देखो एक्स जो है हमारा टू आया और माइनस टू, टू कहाँ बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल से, बट हमारा माइनस टू कहाँ नहीं बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल से, तो ये वैल्यू हो गई रिजेक्ट और ये वाली लेकर चलेंगे, तो एक्स क्या क्या आया हमारा टू आया वन एंड थ्री, तो चेक करते हैं एफ ऑफ वन पर एफ ऑफ टू पर एफ ऑफ थ्री पर, तो एफ ऑफ वन पर रखेंगे टू इंटू वन का क्यूब ट्वेंटी फोर इंटू वन प्लस वन जीरो सेवन, नेक्स्ट क्या है टू इंटू टू का क्यूब माइनस ट्वेंटी फोर इंटू टू प्लस वन जीरो सेवन, इसको करेंगे थ्री इंटू थ्री का क्यूब सॉरी टू इंटू थ्री का क्यूब माइनस ट्वेंटी फोर इंटू थ्री प्लस वन जीरो सेवन, और यहाँ से जो वैल्यूज आई हमने कैलकुलेट, एफ वन पे 85, एफ टू पे आई 75 और एफ थ्री पे आई 89, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है थ्री पर आई और वो कितनी आई 89, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आई, मैक्सिमम वैल्यू इज क्या है 89, और कब थी एट एक्स इक्वल्स टू थ्री पर। नाउ अब क्या कह रहे हैं हमारे पास जो इंटरवल है वो क्या है माइनस थ्री से माइनस वन, देखो जब वन से थ्री था तो हमारा टू बिलोंग कर रहा था, और क्रिटिकल वैल्यूज क्या आई थी, क्रिटिकल वैल्यूज आई थी हमारी एक्स इक्वल्स टू माइनस टू एंड टू, तो क्या माइनस टू इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, कर रहा है। अब देखते हैं टू बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल से, नहीं कर रहा, तो ये रिजेक्ट हो गई इसके अंदर, और हमारे जो जिस पर मैक्सिमम वैल्यू चेक करेंगे, टू चेक मैक्सिमम वैल्यू, जो एक्स है हमारा वो क्या क्या होगा, एक तो माइनस टू माइनस थ्री माइनस वन, माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन, तो पुट करते हैं इस फंक्शन के अंदर, क्योंकि दोनों के लिए यही फंक्शन है, एफ ऑफ माइनस थ्री एफ ऑफ माइनस टू एफ ऑफ माइनस वन, करते हैं पुट, टू इंटू माइनस थ्री का क्यूब ट्वेंटी फोर इंटू माइनस थ्री और प्लस वन जीरो सेवन, इसको करते हैं टू इंटू माइनस टू का क्यूब माइनस ट्वेंटी फोर इंटू माइनस टू प्लस वन जीरो सेवन, नेक्स्ट क्या है टू इंटू माइनस माइनस वन का क्यूब माइनस ट्वेंटी फोर इंटू माइनस वन प्लस वन जीरो सेवन, ये है। तो देखिए हमारी एफ ओ एक्स माइनस थ्री पर हमारी वैल्यू आई 125, माइनस टू पर आई 139 और माइनस वन पर आई 129, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी कब हुई, जब एक्स क्या था माइनस टू और कितनी आई 139, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, हम लिखेंगे 139 इज मैक्सिमम वैल्यू, क्या है मैक्सिमम वैल्यू एट किस पे एक्स इक्वल्स टू माइनस टू पर। तो ये था आपका इसका आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर टेंथ। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ, हमें क्या गिवन है, कह रहा है एट एक्स इक्वल्स टू वन, जो हमारा ये फंक्शन है, ठीक है, ये वाला फंक्शन, ये ए है अपने पास, ठीक है, ये नाइन है, कह रहा है
इस पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा इस इंटरवल पर, और हमें उस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले तो क्या करते हैं, क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, बट क्रिटिकल वैल्यू गिवन है उससे हमारा ए आ जाएगा, बट देखेंगे क्या उस ए पे मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो चेक करते हैं तो वही हमारा ए हो जाएगा। तो सॉल्यूशन एफ एक्स क्या है, एक्स की पावर 462 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 9। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, 4x की क्यूब 62 इंटू 2 124x प्लस ए। क्या कह रहा है, एफ डैश ये क्या है इक्वल्स टू 0, कब होगा जब ये 1 देगा, मतलब x क्या है 1। तो यहाँ रखते हैं 4 इंटू 1 4 124 प्लस ए, ये भी क्या हो गया 0, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है कि क्रिटिकल वैल्यू है, क्रिटिकल वैल्यू होगी तो एफ डैश 1 क्या हो जाएगा 0। अब करते हैं ये माइनस 120 प्लस ए इक्वल्स टू 0, ए क्या है 120। अब देखते हैं जो ये ए 120 आई इस पर मैक्सिमम अटेन कर रहा है, तो देखते हैं। तो एफ ऑफ डबल डेरिवेटिव निकालते हैं एक्स का, आगे आएगा ये 4 3 12 एक्स के माइनस 124, ठीक है ए क्या हो गया 0। अब यहाँ एक्स क्या रखते हैं 1 रखेंगे, तो 12 माइनस 124 ये क्या मिलेगा 112 नेगेटिव लेस देन 0, तो फंक्शन क्या हो गया नेगेटिव हो गया, दैट मीन्स मैक्सिमम आ रहा है कब।